मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बाजी तेरी करवा जेटर में कोई टिक नहीं मारी, मेरा भी साथ ही दगाबाजी किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं एक गरीब लेडी छोटी मोटी चाय का स्टॉल चला के मैं अपने बच्चों को पढ़ाती, मेरे दो बच्चे हैं सर। दोस्तों इस समय हम खड़े हैं नाला सुपारा के संतोष भवन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनिवर्सल मल्टी हॉस्पिटल है। हम यहाँ इस हॉस्पिटल के पैसेज में खड़े हैं। यहाँ एक पेशेंट पिछले कई दिनों में से भर्ती है, वो पेशेंट का यहाँ पे अच्छे से इलाज चल रहा है और यहाँ के डॉक्टर जो है उनको ऑब्जर्वेशन में रखे हुए हैं और इलाज चल रहा है। लेकिन मैं बैकग्राउंड में अगर जाना चाहूँ तो दरअसल वो जो पेशेंट है उनकी हिस्ट्री ऐसी है कि पिछले महीने की 7 या 8 तारीख को 27 या 28 तारीख को उनको कुछ तकलीफ़ हुई थी पेट में दर्द की, और उसके बाद में वो तकलीफ़ होने के बाद में यहीं नज़दीक में नाला सुपारा के ही आचोले साड़ी कंपाउंड के वहाँ एक हॉस्पिटल, एक किरण हॉस्पिटल, उसमें उनको एडमिट करवाया गया था। तो उस किरण हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन हुआ, अपेंडिक्स बोल के ऑपरेशन किया गया। अभी हमने रिश्तेदारों से बात की थी तो उन्होंने ऐसा बताया, खुद पेशेंट ने भी ये बताया, अपेंडिक्स बोल के उनका इलाज किया गया। इलाज करने के बाद में प्रॉपर तरीके से जिस तरह से ऐसा मैं तो ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से नहीं हूँ, लेकिन जैसा मैंने हमारी बातचीत में भी सामने आया है, मेडिकल फील्ड से लोगों से भी बात किया, यहाँ के डॉक्टर से बात किया, तो उनका ऐसा ओपिनियन है कि जिस तरह से ड्रेनेज पाइप जो है बराबर से फिट करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, उन्होंने बड़ा लापरवाही इलाज में किया। तो उसका नतीजा यह हुआ कि कुछ ही दिनों में महिला की हालत गंभीर हो गई और महिला का जो पेट ऐसा बताया जाता है कि कई गुना फूल गया। उसके बाद में उनको इमरजेंसी में एक बार फिर से किरण में ले जाया गया, लेकिन किरण अस्पताल ने ध्यान नहीं दिया और 3 दिन में वहाँ से लगभग निकाल दिया। तब वो यहाँ पे आए, यहाँ भर्ती है, उनका एक ऑपरेशन यहाँ पहले ही हो चुका है और आगे भी कुछ ऑपरेशन की नौबत आएगी ऐसा कहाँ जा रहा है। इलाज अभी भी जारी है, यहाँ के डॉक्टर है वो ध्यान रखे हुए हैं और आशा करते हैं कि यहाँ का डॉक्टर जो है उन्हें अच्छी तरह से उनका इलाज करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। आपको मैं ये चीज़ बता दूँ, पिछले कई समय से, एक लंबे समय से वसई विरार महानगर पालिका में जो लूटमार केंद्र है अस्पताल, इनको लेकर मैं आवाज़ उठाता रहा हूँ, लेकिन महानगर पालिका अधिकारी और कर्मचारी ये किस आधार पर इन अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करते हैं, इस पर सवाल या निशान आप पूछिए। ये बात महानगर पालिका के उपायुक्त जो है MOH जो है उनको ये सवाल पूछिए, कमेंट करिए कि वो किस आधार पर एक गली में, एक खांचे में, कैसी भी परिस्थिति में अस्पताल हो उसको रजिस्ट्रेशन हो जाता है। सवाल बड़ा है, अस्पताल इस तरह से लापरवाही करते लोगों की जान से खेलते हैं। मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, वो मेरा अपना ओपिनियन नहीं है, वो अपना ओपिनियन नहीं है, आप वीडियो में लाइव देखेंगे महिला खुद बोल रही है। तो क्यों ऐसे अस्पतालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती है, क्यों उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता है? हम कोशिश करेंगे कि इस बारे में किरण अस्पताल की भी राय ली, उनका भी पक्ष लिया जाए। हम कोशिश करेंगे, अब ये उनके ऊपर है कि वो पक्ष देते हैं या नहीं देते हैं, हम किरण अस्पताल में भी इस बारे में जानना चाहेंगे। सीता ओम प्रकाश सोनार, आपको क्या तकलीफ हुई और कहाँ पे इलाज हुआ तो बताएं। मेरे पेट में पेन हो रहा था, 2-3 जगह में इलाज कराया, नहीं आराम हुआ। मैं किरण हॉस्पिटल में गई, उन्होंने सोनोग्राफी करने को बोला, मैं सोनोग्राफी करा के आई, उन्होंने अपेंडिक्स बोला आपके पास समय नहीं है, पक जाएगा, फूट जाएगा, मर जाओगे, आज एडमिट हो जाओ, मैं कल ऑपरेशन करवा देता हूँ। हमने कहा सर पेमेंट, बोले 25,000 में तुम्हारा मेडिसिन ऑपरेशन सब हो जाएगा। हमने कहा तो ठीक है, मैं अपने किसी रिलेशन से बात करती हूँ। मैं अपने जेड से बात की, जेड बोले जा यहाँ दंडौती में आ जा वेस्ट में। मैं बोला भाई वेस्ट में जाने में समय लगेगा, वहाँ लंबा पड़ेगा, इधर मेरी दुकान है, मेरे बच्चे हैं, मैं हूँ, करके नज़दीक में कवर कर लूँगी। कब की बात है, कितने? ये 27-28 अगस्त की बात है। फिर क्या हुआ आपको वहाँ पे इलाज होने के बाद? उसके बाद ऑपरेशन तो उन लोग ने एडमिट कर लिया रात को 11 बजे, ऑपरेशन किए, 2-3 दिन रखे थे, ऑपरेशन के ठीक हो गई थी, घर पर गई, 4 दिन बाद लग छोड़े, सब कुछ हवा पानी ठीक, अचानक फिर से पेट में दर्द। वह बोल लेते कि सब मच्छी का थोड़ा बहुत रस्सा वस्सा खा लिया सर, शायद कुछ चुभ रहा है।
देख लीजिए। लेकिन उन लोग ने फिर से 3 दिन एडमिट किया, 4 दिन कुछ पेट का दर्द आराम नहीं हुआ। मैं ये सर को जानती थी, रात को 11 बजे कॉल की, सर मेरे पेट में बहुत दर्द है, आपका हॉस्पिटल का एड्रेस भेजिए, मैं आ रही हूँ। इन्होंने पूछा अभी आओगे, मैं बोला हाँ सर मैं अभी आऊँगी, मेरे पास समय नहीं, दर्द नहीं रुक रहा है। मैं उसी हालत में भागी भागी आई, सर ने मुझे ले लिया। मैं तब से यहाँ पड़ी हूँ, ऑपरेशन ठीक है बट पेट पर जो कोलेस्ट्रॉल आया है उससे मेरे को थोड़ा तकलीफ है। अभी आपको कैसा फील हो रहा है? मैं ऑपरेशन से एकदम ठीक हूँ, ऑपरेशन भी मेरा सूख रहा है क्योंकि मैं आज ड्रेसिंग में अपनी नजरों से देखी हूँ, ड्रेसिंग मेरा बहुत सही है, सब कुछ ठीक है, बस ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से थोड़ा मेरे को त्वचा में तकलीफ आ गई है, और कोई तकलीफ नहीं है मुझे। लेकिन किरण हॉस्पिटल ने मुझे बहुत बड़ा धक्का, मैं अपने पूरे परिवार का इलाज कराती थी वहाँ पे, पूरे सास को भी मैं अपना इलाज उधर ही करवाया, जेठा के कोई ठीक नहीं, मैं भी मेरा भी साथ भी दगाबाजी किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं एक गरीब लेडी छोटी मोटी चाय का स्टॉल चला के मैं अपने बच्चों को पढ़ाती, मेरे 2 बच्चे हैं सर। ठीक है, रोइए मत, सब अच्छा होगा। घनश्याम पटेल। पटेल जी, सीता सोनार जो है उनको क्या तकलीफ है और कहाँ इनका इलाज हुआ क्या जरा बताइए। सर ये साड़ी कंपाउंड में किरण हॉस्पिटल करके है, वहाँ पर इनका इलाज चल रहा था, वहाँ पर इनको अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया गया। कब की बात है ये सर? आज मतलब कम से कम सर 20-25 दिन हो गया सर। तो फिर क्या हुआ, अपेंडिक्स का इलाज कराया था तो उनको दिक्कत क्या हुई? उनको दिक्कत सर वो जब डिस्चार्ज किए 4-5 दिन बाद आए यहाँ पर, अपने घर आई हो, वहाँ पर उनको दर्द चालू होने लगा, दर्द चालू होने के बाद जो है सर वो फिर से उसी हॉस्पिटल में गई जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी, वहाँ गई तो 4-5 दिन वो लोग रख लिए, तो दर्द उसको सहन नहीं होता, उसके लिए वहाँ से डिस्चार्ज करा के मैंने इस हॉस्पिटल में लेके आया। अभी क्या स्थिति उनकी? अभी स्थिति सर उसका इलाज चल रहा है, इलाज चल रहा है और सब कुछ सही है, मगर सर वो यहाँ से भेजना चाहते हैं, बहुत गंभीर समस्या है, कैसे मैं लेके जाऊँ सर? आपका उनसे रिलेशन कैसे चल रहा है? रिलेशन बस एक दुकानदार क्या सपोर्ट है बस सर। उनके परिवार का कोई नहीं है यहाँ? उनके परिवार के एक बेटी आई है और उसका जो हस्बैंड है घर पर है और लड़का दुकान में है। उनके हस्बैंड क्यों नहीं आ रहे? आए थे वहाँ पर दुकान में आए थे, उनको यहाँ पर लाया नहीं, मैं आए थे 2-3 बार आके गए यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हाँ। उनको नहीं लाने का कारण? उनको अभी नहीं आए सर साथ में, दिमाग की हालत ठीक नहीं है सर। ऐसा मैं मौजूद हूँ किरण हॉस्पिटल में, किरण हॉस्पिटल के बाहर, और जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले यूनिवर्सल हॉस्पिटल से आपको बताया, जैसे यूनिवर्सल हॉस्पिटल ने जिस तरह से वहाँ हालात हुए और वहाँ के डॉक्टर कुछ बताने को बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन पेशेंट का इलाज वहाँ पर चल रहा है और वही पेशेंट का इलाज यहाँ हो चुका है। अब यहाँ पर हमने एज ए मीडिया हमारा जो फर्ज है कि दो पक्षों से बात करनी चाहिए और उनके पक्ष रखना चाहिए, उसके लिए आए बात करने के लिए, लेकिन अस्पताल प्रशासन जो है वो पेशेंट और उनके रिलेटिव के ऊपर ही हर चीज़ों को डालकर उनके ऊपर ही हर एक चीज़ का ऑन रिकॉर्ड तो उन्होंने कुछ बोला नहीं है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड हर चीज़ का उन्हीं के ऊपर ब्लेम कर रहा है और ऑन रिकॉर्ड कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तब इसको क्या समझा जाए आप तय कीजिए, इससे आगे कुछ नहीं बोल सकते, ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं बोल रहे हैं इसमें एक बड़ा सवालिया निशान है, और कहीं ना कहीं इसके लिए महानगर पालिका के जो आला अधिकारी है उनको ध्यान देना चाहिए। इतना ही कहूँगा, नाला सुपारा से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।